दोस्तों, मैं हूँ जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपने और हमारे इस यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी नई जानकारी देने वाले हैं जो कि बिहार गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी कि सरकारी अस्पताल के बारे में है। जब भी आप बीमार पड़ते हैं, अगर आप सरकारी अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पर आप नंबर लगाते हैं, उसके बाद अगर भीड़ ज़्यादा रहती है तो आपको एक दो घंटा वेट करना होता है डॉक्टर को दिखाने के लिए। लेकिन आज के इस वीडियो में बताने वाले कि उस भीड़ से आप छुटकारा पा सकते हैं इस वीडियो की मदद से। पूरी चीज़ विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। यहाँ मैंने बताया कि बिहार में अमीन का ऑनलाइन अप्लाई का निकल चुका है बहाली। इसमें आपको बिना एक्सपीरियंस का अप्लाई कर सकते हो ओनली 12वीं पास में। यहाँ मैंने नगर निगम का भी बताया, इसमें 12वीं पास में आप अप्लाई कर सकते हैं। यह सब अभी स्टार्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। और ऐसे ही गवर्नमेंट सर्विस, जॉब और सभी तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सरकारी अस्पताल में ऑनलाइन किस तरह आप अपना नंबर लगाएं, तो उसी के बारे में ये जानकारी आपको मिल रहा है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे हेल्थ सर्विस बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको 6-5 ऑप्शन मिल जाते हैं, पेशेंट रजिस्टर, ओपीडी कार्ड, मेडिकल हिस्ट्री और पर्सेंट, इस तरह का आपको 5 मिल जाते हैं, पैथोलॉजी वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर लगाने के लिए आपको नंबर 1 जो है पेशेंट रजिस्टर, इस पर क्लिक करेंगे। पेशेंट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने आपका मोबाइल नंबर पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना को सिंपली से एक बार आपको अकाउंट बनाना होगा। फर्स्ट टाइम आपको अकाउंट बनाना होगा, यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करेंगे। साइनअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना होगा, अकाउंट क्रिएट करना होगा। यहाँ पे आपको फुल नेम देना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको आपके फादर, मदर या हस्बैंड का नाम दे, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करते हैं मेल या फीमेल, और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस दे सकते हैं, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे ब्लॉक, ये आप पूरे बिहार का डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक ईमेल आईडी और यहाँ पे आपका आधार नंबर। उसके बाद आपको इसमें टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है जिससे आप लॉगिन करेंगे, और यहाँ पे एक पासवर्ड देना है जिस पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे उसी पासवर्ड को यहाँ पे कन्फर्म करना है। उसके बाद जो कैप्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इस कैप्चर को आप यहाँ पे एंटर कर दें। कैप्चर थोड़ा साफ नहीं नज़र आ रहा, आप अच्छे से देखिएगा आपको साफ नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको फिलअप करना होगा। यहाँ आपको एज सेलेक्ट करना होता है, कितना दिन, कितना महीना, आपको कितना साल हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एज आपको मांगा जा रहा है। अगर आपके पास एज नहीं, कितना दिन, कितना महीना, कितना साल हुआ आपका, तो अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो आप निकाल सकते हैं। आपको मैं एज कैलकुलेटर करके एक लिंक दूंगा, वो लिंक में क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आज का जो डेट है वो डेट आ जाएगा, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पहले डेट ऑफ बर्थ और आज का जिस दिन तक का अपना एज निकालना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे। जिस आप कैलकुलेट पे क्लिक करें, यहाँ पे देखिए 20 साल 0 मंथ 15 दिन आ चुका है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे कितना ईयर में हो गया, ईयर 20 साल में दिखा देता हूँ, ईयर 20 साल 0 मंथ 15 दिन, इस तरह आप यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना फुल एड्रेस देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे देखिए मैं फिलअप कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे करता हूँ साइन अप। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे साइन अप हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉग इन हो चुका, आपका अकाउंट बन चुका है। यहाँ पे फिर से पेशेंट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको इस तरह यहाँ पे देखिए लॉग इन हो चुका है। यहाँ पे लॉग आउट के लिए दिखा रहा है, लॉग इन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट आपको जिस दिन दिखवाना है डॉक्टर को उस डेट को देना है। ठीक है, उस डेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 27 तारीख में सेलेक्ट कर चुका हूँ, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं कैलेंडर से। ठीक है, उसके बाद वो डेट जो सेलेक्ट की वो किस दिन आ रहा, दिन शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको शो कर जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट के किस हॉस्पिटल में आप दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह उसके जिस पटना में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद पटना में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल वो आ जाएंगे, आपको कहाँ दिखाना है, वो आपको किस हॉस्पिटल में दिखाना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे।
तो इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सारे आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे जिस हॉस्पिटल में दिखाऊंगा वो वहाँ लिख रहे हैं। उसके बाद इस हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर हैं वो डॉक्टर की लिस्ट आ जाएंगे, किन डॉक्टर से आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप उस तरह सेलेक्ट कर रहे हैं, विनय कुमार ठाकुर या जो भी डॉक्टर से दिखाना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ पे टिक मार्का लगाएंगे, उसके बाद पेशेंट का नेम देंगे जो जिसको दिखवा रहे, वो तो आपको अकाउंट पहले जो आप रजिस्ट्रेशन के तो वो आपका अकाउंट बना था, ठीक है। एक अकाउंट से आप जितना भी चाहे उतना पेशेंट का रजिस्ट्रेशन रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पेशेंट का नाम देंगे, पेशेंट का फादर हस्बैंड नेम और जनरल पेशेंट का सिलेक्ट करेंगे, और उसी तरह यहाँ पे कितना एज हो वो देंगे, उसका एड्रेस कौन सा डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और कैप्चर वगैरह यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो उसके बाद इसको फिलअप करने के बाद कैप्चर को यहाँ पे एंटर कर देंगे, उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपका नाम, यूजर आईडी, मेल, जनरल और पर्सन नेम, डिस्ट्रिक्ट, हॉस्पिटल नेम, डॉक्टर नेम, डेट, और यहाँ पे आपको ओपीडी कार्ड भी यहाँ से आप ले सकते हो। ओपीडी कार्ड पे क्लिक करेंगे, जैसे ओपीडी कार्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये आपको एक पर्ची मिल जाएगा, जो डॉक्टर की तरफ से पर्ची मिलता है जिस पे पुर्जा जिसे कहते हैं, ये बिहार हेल्थ सोसाइटी बिहार, ये स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार जो ये, और यहाँ पे पर्सन रजिस्ट्रेशन नंबर नेम वगैरह एड्रेस वगैरह सारा चीज़ आगे किसी डॉक्टर से वो दिखाएंगे, और यहाँ पे डॉक्टर रिपोर्ट अपना लिखेंगे, इसको प्रिंट करके लेके चले जाना, डॉक्टर इसी पे आपको लिख के दे देंगे। यहाँ पे रिपोर्टिंग का टाइम जो 8 बजे सुबह से लेके 2 बजे अपराह्न तक दिया गया है, ठीक है, 8 बजे से लेके 2 बजे तक दिया गया है, तो इसी को प्रिंट कर लेना। यहाँ पे आपको प्रिंट ओपीडी कार्ड पे क्लिक करेंगे, जैसे प्रिंट ओपीडी कार्ड पे क्लिक करेंगे इसको आपको प्रिंट कर लेना, इसी को लेके जाना आपको हॉस्पिटल जो टाइम दिया उस टाइम पे, तो इसी में जो डॉक्टर के द्वारा आपने सेलेक्ट किया उस डॉक्टर से आप दिखवा सकते हैं। ये आपका पुर्जा हो गया एक तरह का, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करेंगे ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर कीजिएगा। उसके बाद फिर से बैक आ जाएंगे उसी वेबसाइट पे, यहाँ पे आप ओपीडी कार्ड बाद में भी कभी भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिला ओपीडी कार्ड, ओपीडी कार्ड पे क्लिक करेंगे इस तरह आ जाएगा, यहाँ पे ओपीडी कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से आपको ओपीडी कार्ड आ जाएगा, इसको आप फिर से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, यहाँ पे हिस्ट्री देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पैथोलॉजी रिपोर्ट वगैरह भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल, लिस्ट ऑफ डॉक्टर वगैरह आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट सारा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह आप ऑनलाइन बिहार में हॉस्पिटल में पुर्जा कटा सकते हैं और डॉक्टर को दिखा सकते हैं और अपना समय की बचत कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी लंबी लाइन में ना लगना पड़े, सिर्फ एक छोटा सा प्रक्रिया से उनकी सारी लंबी लाइन खत्म, सारी परेशानी खत्म। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।